करके अपनी पूज्य माता को निवेदन करते हैं, भैया पद बदल सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, लेकिन हमारे आपके भाव नहीं बदलने चाहिए। कभी आप आगे होते हैं, कभी हम आगे चलते हैं, कभी आप ऊंचे होते हैं, कभी हम नीचे। माता समता का भाव आना चाहिए, मन में संतोष धारण करना चाहिए, और जब जिस घड़ी संतोष आता है, प्यारे प्रभु स्वयं बस में हो जाती है। मैया ने इतना बस सुन करके और वो माया अपनी समेट ली, जगत से नाता समेट ली। हाय गजब कर दिया बुढ़िया मैया ने, तीन बार स्नान आरंभ कर दिया। नाले ना मैया, तो मैया रोज गंगा में डुबकी लगावे, प्रातः और मध्यान्ह और सायंकाल। फिर संध्या करने लगी, शीघ्र ही काया सुकड़ने लगी। कर्दम जी पहले ही घर को चले गए, और जब उन्होंने अपने पति का शव देखा कि तपस्या करते करते उनका प्राणांत हुआ, उनका शव संविदाओं पर रखा और स्वयं अपनी योगाग्नि प्रकट की, और मैया उस अपने पति परमेश्वर के साथ में प्रभु के धाम को चला। देवियों जाना तो सबको पड़ेगा, जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मन जाना पड़ेगा। और वो माता देवमूर्ति अपने बेटे कपिल के ज्ञान उपदेश से दिव्य लोक को कैसे गई कि विमान में आरूढ़ होकर, अरे काल दिन जाऊंगी विमान में।